हे ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं हूँ फलक खान और आपका यम्मी गर्ल्स में वेलकम करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं प्याज के समोसे, जो हम स्टेशन पे बड़े मज़े से लाल चटनी के साथ खाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसके स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने ले लेना है 1/2 किलो प्याज बारीक कटी हुई, 1/2 करेंगे उसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 चम्मच हल्दी, फिर ऐड करेंगे उसमें 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, फिर ऐड करेंगे इसमें 2 वेज मैगी क्यूब्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन मैगी क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, बट हाथ से मिक्स करने से प्याज का जो है पानी अच्छे से रिलीज हो जाएगा। अब इसमें ऐड करना है हमें 1/4 kg यानी 1/4 किलो पोहा। सूखा पोहा ऐड करेंगे, पानी में भिगोकर नहीं ऐड करना है। वो हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा प्याज पानी छोड़ने वाला है, तो ये सूखा पोहा डालने से उसका जो पानी है एब्जॉर्ब कर लेगा, हमारा पोहा जो है प्याज का पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसे हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है। अब एक स्लरी यानी कि एक पेस्ट बनाएंगे, जो मैदा और पानी को मिक्स करके बनाना है। ये हम क्यों बना रहे हैं? समोसा स्टिक करने के लिए, चिपकाने के लिए। आधे घंटे बाद इसमें हम इस कोथमीर काट के ऐड करेंगे, बारीक बारीक चॉप करना है। कोथमीर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। हमने ये जो समोसा पट्टी बनाकर रखी हुई थी, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। ऊपर आई बटन में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, क्लिक करके आप अपने वीडियो अगर अब तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। पहले शीट लेकर हमने एक ट्राइंगल बनाना है, एक ट्राइंगल फोल्ड करना है प्रॉपर से, जैसे हम मेहंदी की कोन या फिर भेलपुरी वाले भैया हमें पेपर में भेल देते हैं, किस तरीके से कोन शेप बनाकर उसमें भेल भरते हैं, उसी तरीके से हमें शीट को एक कोन शेप बनाना है और उसके अंदर हमारी स्टफिंग डालनी है। स्टफिंग ना कम डालेंगे और ना बहुत ज़्यादा डालेंगे। कम डालेंगे तो क्या होगा ये कि मतलब कुछ टेस्ट तो आएगा भी नहीं और बहुत सारा ऑयल भर जाएगा उसके अंदर, और अगर ज़्यादा डालेंगे तो सब निकल के बाहर आने लगेगा। अब स्टफिंग डालने के बाद में हम जो शीट बची हुई है एक्स्ट्रा शीट, उसके ऊपर हमें क्या करना है, जो हमने मैदे का पेस्ट बना कर रखे हुए थे वो लगा लेंगे और उसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली फोल्ड होती जाती है। मैं एक और समोसा आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। देखा, थोड़ा सा पोर्शन बाहर रखेंगे शीट का, फिर एक कोन फॉर्म करेंगे भेलपुरी वाले भैया की तरह। फिर उसके अंदर हम हमारी स्टफिंग डालेंगे। इसी तरीके से आप और भी समोसे यानी के जैसे खीमे के समोसे और दूसरे समोसे भी, सोयाबीन के, पनीर के समोसे भी बना सकते हैं। बाकी बचे एरिया में हमने पेस्ट लगा देना है हमारे मैदे के आटे का और उसे फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से हम सारे समोसे एक साथ तैयार कर लेंगे, हमें जितने बनाना है। इस स्टफिंग से मैंने 30 समोसे यानी कि 30 समोसे बनाए थे। एक कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया था। तेल गर्म हो जाने के बाद में फ्लेम को मीडियम करेंगे और आराम से एक एक करके समोसे डालते जाएंगे। हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये समोसे जल जाएंगे और आपको क्रिस्पीनेस भी नहीं आएगी इसकी कवरिंग में। एक जगह से जब गोल्डन कलर आ जाए तो इसे हमें टर्न कर लेना है। अब ये समोसा देखो, मुझे ऐसा था कि शायद खुल जाएगा, तो मैंने इसे बाहर निकाल दी,
अगर वैसे ही रहने देंगे तो उसका मसाला जो है यानी स्टफिंग जो है पूरे तेल में बिखर जाएगी। अब मेरे समोसे जो है दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं तो इसे हम निकाल लेंगे। ध्यान से करेंगे फ्रेंड्स, हाथों को जलाइए मत अपने, खुद का ध्यान रख के काम कीजिए। अब हमारे गर्मा गर्म समोसे तैयार हो गए हैं, जैसे स्टेशन पर न्यूज़पेपर में डाल कर देते हैं मैंने उसी तरीके से सर्व किया हुआ है। नाउ इट्स टाइम फॉर साउंड चेक। सुन रहे हो ना आवाज़, कितने करारे और क्रिस्पी समोसे बने हैं। तो देर किस बात की, आप भी ट्राई कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।